happy. It's been a very positive, I think, response till now. And yeah, we just want to come out here and see how it's going. And we're just really happy the film is released. And everyone's out there. Ma'am, आपका किताब बहुत पसंद आया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ. I think, I mean, at the end of the day, you work really hard to try different things to see a reaction. So, अरे हेलो. सर सर सर, आपका किताब बहुत पसंद आया है, सभी दर्शकों ने आपका बहुत पसंद किया. तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं बहुत डरा हुआ था कि लोगों को ये कैरेक्टर पसंद आएगा कि नहीं, बिकॉज कैरेक्टर प्ले करना अलग होता है, उसको पसंद करना अलग चीज़ होती है. और ये कैरेक्टर काफ़ी, मतलब, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है. ड्रग एडिक्ट है, गालियाँ दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है. तो लोगों को ये कैरेक्टर पसंद आ गया, ये मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत बड़ा बहुत एक खुशी की फीलिंग है. बिकॉज कैरेक्टर एक्चुअली लाइकेबल इतना नहीं था, उसके लिए ज़्यादा फील करने के लिए फिल्म में नहीं था. कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. तो आई एम सो हैप्पी दैट ऑडियंस को ये कैरेक्टर अच्छा लगा. बिकॉज मेरी कोशिश यही थी कि लोग टॉमी सिंह के दिल को समझ सकें, उसकी बदतमीजी को माफ़ करें. शायद 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 फ्रीडम हो, शायद 10 दिनों का इतना सब कुछ चला, उसके बाद डू यू थिंक 10 ही दिन थे, हमें तो लगा एक साल तक चल रहा था, खत्म नहीं. डू यू थिंक दैट द आंसर टू द ऑल द पीपल हु आर अगेंस्ट द फिल्म, या जो सीबीएफसी पोर्टल के लिए एक अच्छा जवाब है कि लोग भी पसंद कर रहे हैं? जी, मैं किसी के लिए पर्सनली कुछ नहीं कहना चाहता. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म रिलीज होने के बाद सिर्फ ऑडियंस को हक है डिसाइड करने का कि उनको कौन सी फिल्म अच्छी लगती है और कौन सी फिल्म अच्छी नहीं लगती है. और I tweeted that also, because film जब release हुई तो मैंने tweet किया था कि please आप theater में आके देखें, इसमें लोगों का खून पसीना गया है इस film के अंदर. और ये film बहुत मेहनत से और बहुत मुश्किलों से गुजर कर बनी है. because आप film देखेंगे तो आप लोग खुद ही समझेंगे कि आसान film नहीं है. और इस फिल्म को हर स्टेज पे किसी ना किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, चाहे वो बनाते वक्त हमारे लिए ज़्यादा मुश्किलता हो या इससे पहले जो भी सारी चीज़ें हों, जो भी कोर्ट के साथ हुआ, जो भी उससे पहले सीबीएफसी के साथ हुआ. थ्रू आउट ये फिल्म रिलीज़ होने में हमें बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स कल रात से ही शुरू हुआ और आज कंटिन्यू हुआ है, हम यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को का शुक्रिया अदा करने आए हैं. जो लोग बॉक्स ऑफिस पे जाके जिन्होंने फिल्म देखी, उनका शुक्रिया करने आए हैं. और बहुत खुश है हम. शाहिद 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 सर, पिछली बार भी आप लोगों ने नेशनल अवार्ड नेशनल अवार्ड बोल के मुझे एकदम एक्सपेक्टेशन, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहता. आपने सोचा कि चांस है, मैं बहुत खुश हूँ. सर, ये पहले भी बात हो चुकी है कि ये सिर्फ पहलाज मिलानी के बारे में नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जिसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है. लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जुडिशरी ने, बस ये एक केस नहीं था, इस फिल्म के अगेंस्ट 3-4 जगह पर अलग अलग तरह के केसेस दर्ज किए गए. और सच में कल के दिन जब सभी कोर्ट्स ने फिल्म को पास किया, मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे देश के अंदर इतने फास्ट जुडिशरी ने एक्ट किया और इतना स्ट्रांगली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ सिनेमा को सपोर्ट किया. बहुत अच्छी चीज़ है. एंड आई होप कि अब आगे भी फिल्मों को, हर फिल्म को एक अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे ऑडियंस डिसाइड करे कि कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी फिल्म बुरी है. ये ऑडियंस को डिसाइड करे. एक्चुअली हम लोग कल काफ़ी नर्वस थे, बिकॉज डेफिनेटली जब हमें पता चला कि फिल्म लीक हो रही है और कुछ जगहों पे फिल्म रिलीज हो चुकी है, तो बहुत डरे हुए थे हम लोग. लेकिन आज जब शुरुआत अच्छी रही
तो हमें सच में हमारी सांस में सांस आई, हम लोग और डरे. उड़ता पंजाब. शायद व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अनफॉर्चुनेट आलिया जस्ट अ डे बिफोर. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी पेनफुल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक मूवीज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ सक्सेसफुल मूवी. इट वाज वेरी पेनफुल, वेरी 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 स्केरी. प्ले आलिया Cyber Cell and the various Aplex and everything, who done a great job. I think my friends and I did most of the work middle of the night. Ekta, dusre filmon ki release mein aur is film ki release mein kya fark tha? Main abhi Abhishek ko bata rahi thi. Mujhe aisa laga ki mera koi workout instructor tha jo mujhe itna exercise karwa raha tha. But it's worth it because I got muscles in the end. I got stronger. Do you think this is a big I don't know. I just know this man has made a very honest film. This man, who is a sensation as an actor, has done a brilliant job. So I personally think that the film had to go out there, and now the film will speak.
I mean, nobody can stop a film from doing well if it is good. But it's how do we stop that? Because before it happened with Agni, then it happened with Manji, now it happened with Girl. So how do you think it's not that? There are various institutions that have actually come together to see that piracy is handled. But at this present moment, with the kind of love we have got, the man of the moment is this. And the other man of the moment who has made us stunning entry into Hindi films is this. So I think they take over. Diljit, बहुत सारे रिव्यूज में हर रिव्यूज में एज एन हीरो आपको बहुत ज़्यादा प्रेज मिल रहे हैं. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शायद इस तरह का मौका आपको पहली बार मिला है. आप किस तरह से ऑडियंस ने आपको इस तरह से एक्सेप्ट किया, आप किस तरह से ऑडियंस को? मैं आई लव यू ऑल कहना चाहता हूँ. थैंक यू सारे का बहुत बहुत. मैं सारे नहीं जानता बट मेरे फैंस खुश ने तो आई एम हैप्पी. बहुत खुश है. हाँ जी, हाँ, थैंक यू. अभिषेक, फाइनली जो मेहनत है पेड ऑफ, कैप्टन ऑफ द शिप, क्या कहना? बस अब यही आशा है कि लोग आए, बहुत ज़्यादा तादाद में आए फिल्म देखने और उनको पसंद आए. बस यही एक इच्छा रखता हूँ. Yeah, I mean, our country has been ready for content like this. Our country wants to watch good content. I mean, there's no two ways about that. And the film is trying to say something, it's trying to make a very responsible statement in our view. And I think the audience have the palette for it. See, I told you I lost a kilo, so I think my waistline is an inch less. That would be about 30. मैंने कुछ नहीं मांगा था. मैंने अनुराग कश्यप, आप लोगों के टीम से मांगा गया था. तो आगे आज जब कैमरा अनुराग सर के सामने है वो बोलेंगे. मैंने कहा ना, एनी कॉमेंट दैट ही मेक्स आई स्टैंड बाय इट, बट आई कांट मेक अ कमेंट ऑन हिज बिहाफ. की तरफ से भी बताया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे?